हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिक्रेट टेर पर स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी एक नई पिक कार्ड रीडिंग है कि दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे, वो आपकी लाइफ से कब जाएंगे, वो आपकी लाइफ से जाएंगे भी या फिर वो किसी भी तरह आपकी लाइफ में ऐसे ही बने रहेंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है यू, ओके, सेकेंड पाइल है ओ और थर्ड पाइल है क्यू। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है, वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो, ग्रीन, रेड और येलो, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया है, सेकेंड ऑप्शन में बहुत ही कम रेट कर दिए है, तो वो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और आपके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ, ओके। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है यू गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि दुश्मन उनकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस, सुपर। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल वन, स्टेज ट्रस्ट एंड थराइव, एनिमल गार्डियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ड्रम ड्रीम एंड जर्नी, हाई प्रेस इंटेंट एंड क्रिएट, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट, सुपर गाइस। आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, ओके। अब यहाँ से देखते हैं, दुश्मन के बारे में सब कुछ पता करना होता है गाइस, क्योंकि कर्मा के हिसाब से है। कहीं उन्होंने मास्क तो नहीं पहना है, बहुत अलग अलग तरह के दुश्मन होते हैं गाइस। इस वजह से मैं तीनों डेक यूज़ कर रही हूँ, ओके। हाई पावर, नो प्लेस लाइक होम,
ऑर्फनेड, अनफिनिश सिम्फनी, लास्ट कार्ड है द फेट्स। ओके वन मिनट गाइस, इस तरह से तो आपको कार्ड, ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लेक ऑफ, गुड ओके गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, हाँ दिख, ओके तो गाइस दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे पहले आपकी एनर्जी को लेकर बात करते हैं, ओके फिर आपके कर्मा है और कोई साथी दिमाग या फिर मुखौटा पहना इंसान है या नहीं वो भी हम देखेंगे, ओके तो गाइस आपके एनर्जी की बात की जाए तो आप टू ऑफ शॉर्ट की एनर्जी में हो, कोशिश कर रहे हो दुश्मनों से लड़ने की, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, वेरी वेल डन। और थ्री ऑफ वॉन्ड और सेवन ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपने देखी होगी कि एक इंसान के कंधे पे टेन बाम्बू है, ओके इस तरह से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, परेशानी लग रही है, टेंशन लग रहा है, और इस भार को इस टेंशन को कैसे मेरी अपनी लाइफ से निकालूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पता भी चल गया है कि दुश्मन कौन है, फिर भी उसका मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके चलते मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको बस यही लग रहा है कि इस तरह से ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरी लाइफ नहीं अच्छी रहेगी, ओके तो ये सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भावुक हो रहे हो और मैंने जो आगे आपको कहा कि इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लग रही है, लेकिन ये बात भी, हालांकि एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि टू ऑफ शॉर्ट के साथ डेथ का कार्ड आया है और ए सब कप की एनर्जी है, इसका मतलब ये है गाइस कि आपके लिए खुशखबरी है कि आप जो भी कोशिश कर रहे हो इससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, मतलब कि आपके दुश्मन धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से उनको जवाब दे रहे हो और आपके दुश्मनों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आपको पता चल गया है कि कौन है वो दुश्मन, इस वजह से वो धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं। और लास्ट कार्ड डेथ आया है, इसका मतलब बहुत ही अमेजिंग होता है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन आपकी लाइफ से धीरे धीरे निकल रहे क्योंकि आप लड़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। टू ऑफ शॉर्ट की एनर्जी एस ऑफ कप के साथ और डेथ के साथ आने का मतलब यही होता है कि आपको लग रहा है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपको लगता है कि मैं इसमें से बाहर नहीं निकलूँगी, लेकिन आपको अंदरूनी पता नहीं चल रहा है कि आप धीरे धीरे इससे बाहर निकल रहे हो क्योंकि आप लड़ रहे हो। अब आपके कर्मा के कार्ड से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो कर्मा के कार्ड है इसमें यही है कि ये जो दुश्मन आपकी लाइफ में आए हैं वो आपकी अभी की लाइफ से ही आए हैं और उन्होंने आपके आपने उनके ऊपर जो विश्वास किया उनका उन्होंने विश्वासघात किया है, यानी कि उन्होंने आपको धोखा दिया है और ये बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हो। आपने उनको बहुत कुछ दिया गाइस, बहुत कुछ, आपकी जो कर्मा के कार्ड है वो यही दिखाते हैं कि आपने उनको ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आपने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, सभी तरह से उनको खुशियाँ भी दी, फिर भी उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो आप ही से जलने लग गए और वो आप ही के दुश्मन बन गए, ओके अभी हाल फिलहाल की लाइफ में ही गाइस। और अभी वो दुश्मन धीरे धीरे आपकी लाइफ से इस वजह से दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि वो कौन है। अब ये जो कार्ड आए हैं वो आपकी एक अंदरूनी हिम्मत और ताकत के बारे में बताते हैं कि आपके दुश्मन को पता चल गया है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर शक्तियाँ हैं,
आप अपने तरीके से अंदरूनी शक्ति भी आपके अंदर है, लेकिन आप जब एक्शन के मोड में आते हो, आप अपने तरीके से जब कोशिश करते हो, तब अचानक आपके अंदर हिम्मत आ जाती है और अचानक आप बहुत कुछ कर जाते हो। लेकिन फिर से आप इमोशनल हो जाते हो और आपको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ या मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, और इस वजह से थोड़ा दुखी महसूस करते हो। लेकिन आप खुद अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने आप के लिए, अपने घर परिवार के लिए आप खुद ही लड़ रहे हो, और आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है क्योंकि आप सही रास्ते पर हो इस वजह से। अब ये जो कार्ड आए हैं वो ये भी दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई भी एक मुखौटा पहना या सातिर दिमाग इंसान है या नहीं, जो आपकी बात में या आपकी बातें उन दुश्मनों को बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो ये कार्ड यही कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी बातें दूसरों को बता रहा है, मतलब आपके अपने लोग रियली में आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से व्यवस्थित है, उनके ऊपर डाउट नहीं करना है, वो आपको ही सपोर्ट करेंगे, या फिर वो अपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुलमिल गए हैं, उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है, मतलब वो अपनी लाइफ में ही खुश है, उनको दुश्मन के साथ या फिर ये सब छोटी छोटी बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ही ध्यान देना चाहते हैं, और वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट ज़रूर करते हैं, साथ दे रहे हैं, और उनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप हमें इस दुश्मनों से, खराब परिस्थिति से, इन टेंशन से, इन प्रॉब्लम से पूरी तरीके से दूर करोगे और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाओगे। मतलब आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा सतर्क हो, सजाग हो तो ज़रूर होगा गाइस। और लेगअप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ही खूबसूरत कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है कि ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही हिम्मती और अपना पावर दिखाते रहिए, अपनी एक ताकत और अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाए रखे, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आप एक दी एम्प्रेस की पोजीशन में हो, यानी कि आप अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कौन है, किस तरह के हैं, सब कुछ ध्यान दे रहे हो, एक अलर्टनेस की पोजीशन में हो आप, और आप खुद के ऊपर भी फोकस हो कि कहीं मेरी एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो रही है, कहीं मैं एक मेरी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही, इस वजह से आप पूरी तरीके से सतर्क हो और अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिव करते रहते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिससे आपको हिम्मत आए। और रियली में एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी फैमिली को ऊपर किसी ने एक काला जादू करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो नहीं बन पाया है क्योंकि आपने ऐसा कुछ करने नहीं दिया है, आपने हिम्मत दिखाई है, कॉन्फिडेंस दिखाया है, इस वजह आपने अपनी अलर्टनेस और सतर्कता दिखाई है, इस वजह से वो काला जादू नहीं कर पाए हैं आपके ऊपर। अब आपके लिए एडवाइस है गाइस कि आपकी लाइफ में जो अभी भी दुश्मनों बने हुए हैं तो वो जाने के लिए आपको ये जो मैंने काले जादू की बात की वो थोड़ी आपके परिवार में रहती है, इस वजह से आप भी थोड़े सैड रहते हो, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो और कभी कभी टूट भी जाते हो, ऑर्फनेट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। ओके, तो इसके लिए आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिससे आपके घर में, परिवार में किसी भी तरह का काला जादू हो या किसी भी तरह किसी ने कुछ भी किया हो तो वो सब कुछ निकल जाएगा। ओके, तो आपको, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो आप रास्ते में पढ़ सकते हो, ऑफिस में पढ़ सकते हो, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पढ़ सकते हो सुबह के टाइम, या घर पर पढ़ सकते हो, किसी भी जगह पर पढ़ सकते हो, आपको सिर्फ ईजी गोइंग वे में हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होती चली जाए। और ये जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ वो सिर्फ मामूली नहीं है, ओके, वो बहुत ज़्यादा कारगर है, इससे काला जादू पूरी तरीके से ख़त्म होता है।
पूरी तरीके से आपके लाइफ में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नेस्त नाबूद हो जाती है। ओके, तो आपको ये करना है। आपकी लाइफ में से दुश्मन कब ख़त्म होंगे, तो आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, बने हुए हो, और बहुत ही जल्द ख़त्म होंगे गाइस। कब ख़त्म होंगे तो आपको डेट चाहिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो कब ख़त्म होंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कवांस, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस अगस्त है। ओके, अगस्त में आपको जस्टिस मिल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने जो कहा है, एडवाइस दी है, वो पूरी तरीके से करनी है। रियली में इससे आपकी लाइफ में दुख परेशानियाँ तो दूर होती ही होती है, और काला जादू भी ख़त्म होता है। ओके, तो वो करना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है ओ रेड, तो चलो देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ से दुश्मन कब ख़त्म होंगे, दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू यूनिवर्स, बताइए उनकी लाइफ से दुश्मन कब ख़त्म होंगे। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द एम्प्रेस, फिर से अर्थ साइन, चैरियट कैंसर, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फिर से डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास से मून। अब आपके कर्मासी कार्ड से पता चलेगा कि वो कर्मासी आए हैं या फिर अभी की लाइफ से आए हैं। दुश्मन अलग अलग तरह के होते हैं गाइस, इस वजह से मैं तीनों डेक यूज़ कर रही हूँ। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, मून। मून की एनर्जी दो बार आई है गाइस। टेक नोट ऑफ इंटिट्यू मैसेज। ओके, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ड्रूविड, होल्ड द स्पेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है सी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विथिन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। इस कार्ड से पता चलेगा गाइस कि कोई साते दिमाग इंसान तो नहीं है आपकी लाइफ में, किसी ने मुखौटा तो नहीं पहना है, वो इस कार्ड से पता चलेगा। ओके, ऑब्जर्वर, अ लैक ऑफ हैप्पी, पोइजर्ड, सरेंडर पिटी। बॉटम टू डेक हमारे पास है बाय द बुक, वन मिनट गाइस। ओके, ओके, आपकी एनर्जी के कार्ड से पहले मैं आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ। ओके, तो गाइस आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन फर्स्ट जो एनर्जी आई है टू ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है गाइस कि पैसों को लेकर चिंतित हो, परेशान हो, पैसों की किल्लत थोड़ी रहती है। ओके, इसके चलते बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे हो कि ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। बीच में कार्ड आया है चैरियट, इसका मतलब ये होता है गाइस, और वो भी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ,
आप एक किंग ऑफ पेंटिकल हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे धीरे धीरे जा रहे हैं। इस वजह से आप पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपको फिक्र लगी रहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही ख़राब परिस्थिति आ जाएगी। ये आपके मन में डर है, और पैसों को लेकर तो सभी के मन में डर होता है, तो वो नॉर्मल है गाइस, ज़्यादा मत सोचिए। आप मेहनत करते रहेंगे तो पैसे बनते रहेंगे, लेकिन आपके लाइफ में दुश्मन बने हुए हैं, इस वजह से आप पैसों को लेकर फिक्र कर रहे हो कि दुश्मनों को मैं कैसे हटाऊं, क्या करूं। मैं चैरियट की पोजीशन यही दिखाते हैं कि आप एक्शन ले रहे हो, दुश्मनों का सामना कर रहे हो, आपको पता चल गया है कि दुश्मन कौन है, और आप भलीभांति ये भी जानते हो गाइस कि दुश्मन आपके अपने लोग ही है, इन्होंने ही आपको पीठ पीछे वार किया है, वही आप उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, और अभी वही दुश्मन बने हुए हैं आपके गाइस। आप जहाँ काम करते हो वही के दुश्मन है, या फिर आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल या फिर रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं गाइस, और वही के दुश्मन है, और अभी हाल फिलहाल वही आप सोच रहे हो कि इन लोगों को मैं अपनी लाइफ से कैसे हटाऊं। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन पूरे पूरा जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। अब आपके कर्मा के हिसाब से यहाँ जो आपकी एनर्जी ये भी कह रही है गाइस कि आप फिक्रमंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हो, टेंस कम है। फर्स्ट पाइल में टेंशन ज़्यादा था, आप टेंशन सिर्फ पैसों को लेकर थोड़ी फिक्र है, बाकी आपको पता है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, मुझे किसी भी तरह डर नहीं है, मैं उनको हरा कर दिखाऊंगा, मैं अपनी लाइफ से उनको बेदखल कर दूंगा। इस तरह से ये जो आपका जज्बा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। ऐसे ही बने रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक इंसान को दुश्मनों के साथ लड़ना ही पड़ता है, कोई आने वाला नहीं है हेल्प करने के लिए, खुद से ही लड़ना पड़ता है। अब आपके कर्मा के कार्ड यही दिखाते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कर्मा के हिसाब से किसी भी तरह थोड़ा बहुत काला जादू भी है, ओके, और इस काले जादू को आपने ख़त्म करने की कोशिश भी की है, लेकिन जितनी को आपको एक अनुभवी इंसान मिला है, आपने काले धागा या किसी भी तरह सुरक्षा कवच अपने घर परिवार के लिया है, लेकर लिया है, अपने लिए लिया है, अपनी फैमिली को लेकर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बने रहिए, लेकिन फिर भी काला जादू थोड़ा रहता है, इस वजह से थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आपको लगती है, क्योंकि दो बार मून की एनर्जी का आना ऐसा ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी घेर लेती है आपको। एक बहुत ही फुल मून के दिन, अमास के दिन, या पूनम के दिन, या किसी भी एक बहुत ही ऐसी तिथि आ जाती होगी, तब आपको नेगेटिविटी हैरान करती होगी, लगती होगी, ओके। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको एक एडवाइस है, हर सुबह और हर शाम को, यानी कि रात को, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में पढ़ सकते हो 5 मिनट निकाल कर, आप सुबह घर पे हो तो घर पर पढ़ सकते हो, जा रहे हो रास्ते में हो तब भी पढ़ सकते हो, आप शाम को, मतलब सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, और इससे आपका काला जादू आपके घर से, आपके घर परिवार से पूरी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन लगातार आपको करना पड़ेगा, और आपकी फैमिली को भी कहना पड़ेगा कि उनको भी पढ़ना चाहिए, जिससे काला जादू उनके ऊपर असर ना डाल सके और नज़र ना लगे, बार बार नज़र भी लगती है, तो इससे भी दूर करने पूरी तरीके से आपकी सभी तरह की परेशानियों का ये जो हल है वो काफ़ी कारगर है गाइस, बहुत ही अच्छा है। आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़नी है आपको सुबह शाम, धीरे धीरे आपकी लाइफ में से जो ये परेशानियां है, दुख है, वो सभी तरह के निकलते चले जाएंगे, और आपको नज़र भी नहीं लगेगी, और काला जादू भी असर नहीं होगा आपकी लाइफ में, किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहती हो, घूमती फिरती रहती हो, तो वो भी निकल जाएगी, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, ओके। अब ये जो आपके कार्ड आए हैं वो आपके एक बहुत ही आपके जो टैलेंट है उसी के कार्ड है गाइस, तो आप पूरी तरीके से बने हुए हो।
आप उनसे घबरा नहीं रहे हो, पूरी तरीके से कोशिश करने की वजह से हिम्मती बनकर खुश रह रहे हो, लेकिन सतर्क भी हो। अलर्टनेस ज़रूरी है और अलर्टनेस आप दिखा रहे हो, सतर्कता आपके अंदर है और पूरी तरीके से सरेंडर हो। अपनी फैमिली को लेकर, अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए पूरी तरीके से सरेंडर हो कि मुझे इस दुश्मनों को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर निकालना है, मतलब निकालना है। और आपने किसी भी तरह अनुभवी इंसान को नहीं, किसी कुछ लोगों ने नहीं ढूंढा हो तो ढूंढ लीजिए और सुरक्षा कवच ले लीजिए। और जो मैंने कहा है एडवाइस, वो तो करनी ही करनी है। और आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ, किसी भी तरह कोई साथी दिमाग या मुखौटा पहना इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं, वो गाइस ये कार्ड से ही पता चलता है। तो है, ओके, कोई आपकी ही आसपास आपके साथ रहता है और वो इंसान आपकी बात में, आपकी बातें उस आपके दुश्मनों को बताता है। तो वो इंसान को ढूंढ निकालिए। और पहली बात, आप नहीं भी ढूंढ निकालते हो तो भी आपको उस आपके आसपास के लोगों को अपनी बातें बताना बंद करनी है। छोटी छोटी बातें बताना बंद कीजिए, अपने तक ही सीमित रखिए। आपको बहुत ज़्यादा कहने की आदत हो मन की बातें, तो किसी खास इंसान को बताइए जो आपका फ़ायदा ना उठा सके, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में एक या दो इंसान ऐसे हैं जो आपकी बात में दुश्मनों को बताता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे, ओके। पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। द मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द लवर्स, जेमिनी। थ्री ऑफ पेंटिकल, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। बॉटम टू डेक हमारे पास है टावर, फिर से एरिस, लियो, सजिटेरियस। अब आपके कर्मा के कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल थ्री, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस, अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से एनिमल गार्डन, ट्रस्ट और इंस्टिक, ओके। अब यहाँ से देखते हैं। हायर पावर, पॉइज़न्ड बाय द बुक। आप पाइल टू से भी अट्रैक्ट हुए थे गाइस। Time to go, not for you. Bottom of the deck हमारे पास से to be fair. आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो guys. कोशिश अच्छी है आपकी, okay? लेकिन आपके लिए कहना चाहती हूँ कि कर्मा के चलते ही आपकी लाइफ में दुश्मन आए हैं, okay? छोटी मोटी परेशानियां रहेगी क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। इस वजह से दुश्मन बने हुए हैं और ये दुश्मन आपके पास लाइफ से ही आए हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, परेशान हो, दुखी हो। और मैंने आगे ही कहा कि छोटी छोटी परेशानियां आपकी लाइफ में रहेगी क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल जब किसी भी इंसान की लाइफ में चलती है तो आपने जो भी कर्मा पिछले लाइफ में किए होते हैं वही सब कुछ अभी हमें भुगतने पड़ते हैं। और ये हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक अलग अलग एनर्जी के तौर पर होता ही है। इमोशनल वाइज होता है या फिर पैसों के वाइज या फिर प्रैक्टिकल वाइज या फिर बहुत सभी के अलग अलग अपने अलग कर्मा होते हैं, ओके। आपके जो कर्मा है वो इमोशनल वाइज है गाइस। इस वजह से अभी भी आप कोशिश कर रहे हो, बने हुए हो,
ऐसे ही बने रहिए। और ये जो कार्ड बता रहे हैं वो यही कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह ऐसा सातिर दिमाग इंसान या आपके लिए कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अच्छे तरीके से रहकर आपकी बातें दुश्मनों को बता रहा है, तो गाइस बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातें किसी को नहीं पता चल रही है, क्योंकि आप ही बहुत ही ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो गाइस, बहुत ही पावरफुल हो, ध्यान दे रहे हो, मतलब कि आप कॉन्शियसनेस हो, मतलब पूरी तरीके से फोकस हो, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, अपनी तरीके से ही नेगेटिव कर्मा की साइकिल पसार कर रहे हो। वक्त के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको, ओके। क्योंकि यहाँ नॉट फॉर यू और टू बी फेयर आया है गाइस, और टावर मोमेंट आ गया है गाइस। आप में से कुछ लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन, आपने बहुत ख़राब कर्माओं को पूरी तरीके से अपने लाइफ में से दूर किया है, और अभी की लाइफ में आप बहुत ही अच्छे हो, प्योर हो, काइंड हार्टेड हो, ऐसे ही बने रहिए। अभी आपको कर्मा खुद से खड़े नहीं करने हैं, वो ध्यान रखना है, याद रखना है, और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बिताना है, ओके। और आपके लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, इस वजह से दुश्मन भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, ओके। लेकिन आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको जो एडवाइस देती हूँ वो आपको करना है। हर सुबह और शाम को आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिससे आपके लाइफ में एक नेगेटिविटी बनी हुई है वो धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। और ये जो दुश्मन है वो सिर्फ आपके पिछले जन्म की वजह से आए हैं, वो भी निकल जाएंगे। तो आपको सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, और आप अपने ऑफिस टाइम के वक्त भी पढ़ सकते हो, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, लेकिन सुबह पढ़ना है और रात के शाम के टाइम पढ़ना है, ओके। इससे आपकी लाइफ में काला जादू किसी ने किया हो, आपको नज़र लगती हो, वो सब कुछ दूर होगा। ये कोई मामूली एडवाइस नहीं है, आप एक बार करके तो देखिए, आपकी लाइफ से दुख दूर होने लगेंगे और नेगेटिव कर्मा के साइल भी धीरे धीरे साइकिल आपकी दूर होती चली जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी, ओके। और दुश्मन आपकी लाइफ से कब ख़त्म होंगे, तो वो गाइस आपके कर्मा जब ख़त्म होंगे तब ख़त्म होंगे। फिर भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि वो कब ख़त्म होंगे गाइस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप और सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो किसी के लिए जुलाई है, किसी के लिए अगस्त है, ओके। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। पाइल टू के लिए दुश्मन कब ख़त्म होंगे, यूनिवर्स, डिवाइन, ओके। अगस्त महीना है गाइस। बाय गाइस।